आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई। क्वेश्चन है, आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो बताइए कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 रुपये होगी। तो यहाँ पे जो 2400 रुपया, ये क्या है, ये मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। अब ब्याज की दर कितना है, 5%, यानी कि रेट है। इसमें क्या दे रखा है, ब्याज की राशि दे रखा है। निकालना क्या है, समय निकालना है, कितने समय बाद ब्याज की राशि 240 रुपये हो गई। तो देखिए हल में क्या करते हैं, जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है, 2400 रुपये। ब्याज दर कितने परसेंट है, 5%। कितना है, वार्षिक है। अब समय क्या करना है, हमें निकालना है। ब्याज रखा है 240 रुपये, यानी कि इतने रुपए बैंक में जमा है। अब बैंक वाला 5% की दर से ब्याज देता है, तो और ब्याज भी दे रखा है, बताना है कि कितने समय बाद ये ब्याज 240 रुपये होगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी बटे में 100। पी मतलब क्या होता है, आर मतलब दर, टी मतलब समय। तो इसी फार्मूले में हम इसको पहले पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दे रखा है यहाँ पे, 240। तो इसके नीचे हम 240 लिख देंगे। पी का कितना दे रखा है, 2400, यानी कि मूलधन। खाते कितने रुपए जमा है, 2400 रुपये जमा है। दर कितना है, 5%। समय की जगह पे हम टी ले देंगे, क्योंकि हमें टी यही ज्ञात करना है। और नीचे रहेगा 100। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछी गुणा। 240 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो कितना हो गया, 24000 हो गया ना। इसका गुणा इसमें करना क्या आएगा, 24000। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा, लेकिन देखिए ये 2400 है, ये 5 है, तो इसका इस काम गुणा कर देंगे। तो 2400 गुणे 5 कितना आएगा, 12000 आएगा। ये 2400 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 12000। और टी के जगह पे टी रहेगा। अब टी का मान निकालना है, तो टी अपने जगह पर रहेगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई होने वाला है यार, तो जब बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। बूढ़ा वाला किसमें बनता है, भाग में। तो ये 12000 इसके नीचे बन गया। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 कम 12 = 24। टी का मान कितना आ गया, 2, यानी कि समय कितना निकल गया, 2 वर्ष। तो यानी आपके बैंक में अगर 2400 रुपये जमा है और ब्याज की दर 5% है, तो जो 240 रुपये ब्याज है वो 2 साल में होगा। समय कितना निकल गया, दो। तो ऐसे ही बाकी सवाल भी आप लगा सकते हैं।